आगामी लोकसभा चुनाव के होने में अभी करीब 2 साल का वक्त बाकी है, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी अभी से ही लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गए हैं, लेकिन उससे पहले देश के कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। खासकर 2022 की शुरुआत में 5 राज्यों में चुनाव है, ऐसे में राहुल के लिए अगला साल कई मायनों में अहम साबित होने वाला है। अब तक भले ही राहुल के लिए सबसे बड़ी चुनौती पीएम मोदी थे, लेकिन बंगाल चुनाव के बाद ममता भी मैदान में है। जिस तरह राहुल के इर्द गिर्द पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, ऐसे में 2022 के बाद राहुल की चुनौतियां बढ़ सकती हैं। साथ ही सियासत के 5 किरदार उनके लिए दुश्मन साबित हो सकते हैं। नंबर 1, ममता बनर्जी। 2021 में ममता बनर्जी के दिल्ली में कदम रखते ही राहुल को काफी ज्यादा एक्टिव देखा गया। उसे पहले तक कम ही मौके देखने को मिले जब वो विपक्षी दलों की राजनीति में कोई दिलचस्पी लेते हों। इसकी बड़ी वजह ये भी रही कि विपक्ष के ज्यादातर नेता सोनिया गांधी को तवज्जो तो देते थे, राहुल को नहीं। खासकर ममता तो राहुल को थोड़ा भी भाव नहीं देती है। ममता जिस तरह अपनी पार्टी का विस्तार कर रही है, उससे साफ है कि वो राहुल के लिए एक बड़ी चुनौती साबित होने वाली है। नंबर 2, शरद पवार। 2019 के आम चुनाव के दौरान तो ऐसा लगा कि शरद पवार राहुल गांधी को महत्व देने लगे हैं, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन की सरकार बनने में राहुल को पूछा तक नहीं गया। बंगाल चुनाव के बाद ममता के प्रतिनिधि के तौर पर पीके पवार से कई बार मिले, विपक्ष की बैठकें भी हुई, लेकिन कांग्रेस को ऐसी बैठकों से दूर रखा जाता रहा। पवार की सियासी महत्वाकांक्षा भी किसी से छिपी नहीं है, ऐसे में वो हर हाल में चाहेंगे कि कमान उनके हाथ में रहे, ना कि राहुल गांधी के हाथ में। नंबर 3, अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो अब तक यही देखने को मिला है कि गांधी परिवार उनके नाम से परहेज करता रहा है। 2019 के चुनाव में केजरीवाल की इच्छा के बावजूद कांग्रेस ने उनके साथ गठबंधन नहीं किया। आगामी 5 राज्यों के चुनाव में केजरीवाल काफी सक्रिय हैं, खासकर पंजाब, उत्तराखंड और गोवा में वो कांग्रेस की उम्मीदों पर पानी फेर सकते हैं। ऐसे में 2022 में केजरीवाल राहुल के लिए एक नए चैलेंजर बन सकते हैं। नंबर 4, प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी पहले से ही G23 नेताओं से ही जूझ रही हैं, लेकिन अगर राहुल गांधी अगले साल कांग्रेस की कमान संभालते हैं तो उनके सामने चुनौतियों का जखीरा होगा। हो सकता है कि उन्हें अपनी बहन प्रियंका गांधी से ही चुनौती मिले, क्योंकि बतौर पार्टी महासचिव इन दिनों यूपी कांग्रेस में जान फूंकने में लगी है। इतना ही नहीं, वो कांग्रेस में संकट मोचक की भूमिका भी निभाने में लगी है। राहुल गांधी एक ओर लगातार फेल होते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रियंका फील्ड में उतरकर कार्यकर्ताओं में जोश भर रही हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस ने यूपी चुनाव में थोड़ा बहुत कमाल कर दिया तो फिर उन्हें प्रियंका की ओर से ही चुनौती मिलेगी। और नंबर 5, प्रशांत किशोर। आने वाले दिनों में प्रशांत किशोर भी राहुल गांधी के लिए एक बड़ी चुनौती बनेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पीके जिस तरह राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं, उससे एक बात तो साफ है कि उनका ये रवैया आगे बदल जाएगा। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि एक न एक दिन पीके किसी न किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करेंगे और वो जहां भी रहेंगे राहुल के लिए चुनौती बने रहेंगे। इंडिया न्यूज़, वायरल की रिपोर्ट।